Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you. And आज हम लोग environment and ecology का एक new series start करने जा रहे हैं, जिसमें environment and ecology का आज हमारा basic introduction होगा. तो चलिए discussion start करते हैं. Environment, अगर हम environment के meaning and definition की बात करें, तो जो environment term है ना, ये French word के environment से derived हुआ है, जिसका meaning क्या होता है? Surround. तो मींस हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग होती है, ये हमारा बेसिकली क्या है? एनवायरनमेंट ही होता है. अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आप जैसे स्टडी कर रहे हो, आप अपने रूम में हो, लाइब्रेरी में हो, कहीं पर भी हो, आपको चारों तरफ से कोई ना कोई सराउंड किए हुए है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है? वो हमारा एनवायरनमेंट होता है. तो जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, तो वो उसको जो भी इफेक्ट करता है, वो हमारे क्या होता है? वो हमारा एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट जो होता है, ये रेगुलेट करता है लाइफ जो होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें से ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है. देन उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, तो ये रिफर करता है दोनों ही, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना. तो बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो फिजिकल एंड नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब ये चीज़ें ये रिफर करता है. बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए. या फिर एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फर्नीचर्स हो गए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? लाइट हो गई, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग है. एनवायरनमेंट जो होता है ना, ये सम होता है टोटल कंडीशन का, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको सर्वाइव करना होता है, अपनी जो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो वो पूरे कंडीशंस का जो सम होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एनवायरनमेंट होता है. ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है किसी भी लिविंग फॉर्म में, ठीक है ना. ये कंसिस्ट करता है एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर को. एटमोसफेयर क्या होता है? जहाँ पर हमारी गैसेस पाई जाती हैं. हाइड्रोस्फीयर कौन सा पार्ट होता है? जहाँ पर वाटर पाया जाता है. लिथोस्फीयर लैंड का पार्ट होता है. बायोस्फीयर वो पार्ट होता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अगर हम इसके चीफ कंपोनेंट की बात करें, तो ये सॉइल, वाटर, एयर, ऑर्गेनिज्म एंड सोलर एनर्जी, ये सारे क्या है? ये सब इसके चीफ कंपोनेंट है. ये प्रोवाइड करता है वो सारे रिसोर्सेज जो कि एक कंफर्टेबल लाइफ को क्या करते हैं? लीड करते हैं. तो मीन्स हमें अगर लाइफ वो कोई हमें हमारी लाइफ को लीड कर रहा है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को लीड कर रहा है, तो वो बेसिकली क्या है? वो एनवायरनमेंट ही है. ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है किसी भी मैन को या फिर ऑर्गेनिज्म को. ये अफेक्ट करता है बहुत ही कई सारे फैक्टर्स के थ्रू, जैसे कि नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, सोशल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड, वाटर, एनर्जी और अदर नीड्स के लिए. अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग क्या है? वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ से उसको क्या मिलता है? उसको फूड मिलता है. पेड़ पौधे जो होते हैं, वो किसमें ऑर्गेनिज्म? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए वो हेल्प करते हैं. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन या फिर अदर एनिमल के लिए के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उनको डिकम्पोज करके ही सर्वाइव कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे से क्या है? अदर अदर नीड के लिए डिपेंडेंट है. जो रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के एंड एनवायरनमेंट के बीच में, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. एनवायरनमेंट बेसिकली स्टैटिक नहीं होता है. दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं. तो ये हमारा बेसिक कुछ फैक्ट्स थे एनवायरनमेंट के बारे में. तो मीन्स आप अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ कि जो भी चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, वो हमारे क्या है? वो एनवायरनमेंट की ही वजह से है. अब बात करते हैं कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट इसके माइक्रो, मैक्रो, फिजिकल एंड बायोटिक एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? ये रिफर करता है जो भी इमीडिएट लोकल सराउंडिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो हमारे किसके अंडर आता है? ये माइक्रो एनवायरनमेंट के अंडर आता है. मैक्रो की बात करें, तो जितने भी फिजिकल और बायोटिक जो कंपोनेंट कंडीशंस होती है ना, जो कि ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली सराउंड करती है, तो वो किसके अंदर आता है? ये मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है. तो मीन्स
जितने भी फिजिकल और बायोटिक मतलब एबायोटिक और बायोटिक भी कह सकते हैं कंडीशन जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली सराउंड करती है वो हमारे मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट जो जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स कंडीशंस होते हैं जैसे कि लाइट रेनफॉल सॉइल मिनरल्स ये सब हमारे फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं जिसमें से एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर को भी कंप्राइज करता है। बायोटिक एनवायरमेंट होते हैं जिसमें से सारे बायोटिक फैक्टर्स आते हैं लिविंग फॉर्म में जैसे कि प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो आई होप ये जो कंपोनेंट है आपको क्लियर हो गए होंगे माइक्रो मैक्रो फिजिकल एंड बायोटिक, ठीक है ना। बायोटिक और एबायोटिक तो बहुत ईजी है याद करने के लिए जैसे कि बायोटिक जो ऑक्सीजन कंसीव करते हैं जो कि या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। फिजिकल जो भी हमारे आसपास में देखो आप अपने आसपास के रिज्यूम करो कितने फिजिकल लिंक हैं जैसे कि आप चेयर को ही देख लो, ठीक है ना। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस नहीं कर पा रही है वो ऑक्सीजन नहीं ले रहे तो वो क्या है वो फिजिकल फॉर्म में आ गया उसको जो उसे हम कंसीडर करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट। माइक्रो क्या होता है जो कि लोकल सराउंडिंग होती है इमीडिएट लोकल सराउंडिंग। अब मैक्रो क्या होता है कि जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली सराउंड करते हैं तो वो कंपोनेंट जो है ये आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स हैं कि एनवायरमेंट आजकल देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। एज ए कल को आप सिविल सर्वेंट भी वर्क करोगे तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट काफ़ी क्योंकि एक जो आज के इन्वायरमेंट की बात करें तो काफ़ी पोल्यूशन भी होता जा रही है एक चैलेंज भी हो गया कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को हमें एक बैलेंस करके चलना है जिसे हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का नाम दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट को समझना और आगे कोई भी पॉलिसी आएगी या फिर वर्क करने के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो इन्वायरमेंट जो होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ना ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस का क्या था उसका रिजल्ट ये था कि जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ना वो एनवायरनमेंट के साथ करवाना है प्लस उसके बाद अवेयरनेस भी फैलानी है कि इसके टूवर्ड्स जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं जैसे कि मैरीन हो गया ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन ग्लोबल वार्मिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड वाइल्ड लाइफ तो इनके टूवर्ड्स भी ध्यान देना था। तो इसलिए 5 जून को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो 1972 को स्वीडन में तो हुई थी लेकिन 2 ईयर बाद 1974 से हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। देन उसके बाद क्या था कि 1974 में फर्स्ट एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। उसके बाद हर साल हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें से 2020 की जो सेलिब्रेट हुई थी ये कोलंबिया में होस्ट किया गया था जर्मनी इसके पार्टनरशिप थे। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो 2020 की जो थीम थी टाइम फॉर नेचर क्योंकि आपको पहली थीम याद कर रखनी चाहिए और आखिर में भी पूछ सकता है कि और बाकी तो पर ईयर की अगर इंडिया में होस्ट हुई हो तो आप उसको लर्न कर सकते हो बाकी इतना पूरा 1974 से लेकर के नौ तक लर्न करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया जो होता है ना ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री है जिसमें से 10% जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है ना ये होस्ट करती है। अगर हम बात करें कि 10% जो बायोडाइवर्सिटी है कोलंबिया होल्ड करती है तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है या फिर जो डिफरेंस पाया जाता है तो वो बायोडाइवर्सिटी होता है। आगे ब्रीफली हम लोग जब सीरीज पढ़ेंगे तो आगे ब्रीफली इसके बारे में देखेंगे। कोलंबिया जो होता है ना ये बर्ड और ऑस्ट्रेलिया और जो अदर स्पीसीज हैं इसमें इसकी फर्स्ट रैंक आती है। उसके अलावा जैसे प्लांट बटरफ्लाई फ्रेश वाटर फेसिस में इसकी सेकेंड रैंक आती है। तो ये हमारे कुछ इसके बारे में था ये हमारा इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसको लेकर था। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इकोलॉजी टर्म है ना ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया था
अर्नेस्ट हैगल ने किया था 1869 को, और इसका जो मीनिंग होता है ये डेराइव होके बना है लैटिन वर्ड के ऑइकोस प्लस लोगोस। ऑइकोस का मीनिंग होता है होम और प्लेस टू लिव, एंड लोगोस का मीनिंग क्या होता है स्टडी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इकोलॉजी जो होता है यहाँ पर हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनके होम की या फिर उनके उनका जो हैबिटेट होता है वहाँ की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि जो इकोलॉजी है उसके डेफिनेशन क्या होती है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है रिलेशनशिप ऑफ द जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ प्लस उनके एनवायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन होता है। मानो कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशन है प्लस उनके एनवायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन है, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इकोलॉजी जो होता है इसको मैनी बहुत सारे लेवल में हम लोग पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा जो होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो अर्थ में है, इसका जो इकोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं उनके हम हैबिटेट की बात करते हैं ना, तो इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स भी रिलेटेड होते हैं। अगर हम इनके लेवल्स की बात करें तो जिसमें से इंडिविजुअल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये सब इंक्लूडेड है। इसको हम लोग लेवल ऑफ इकोलॉजी के नाम में भी जान सकते हैं। अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है जिसे हम लोग इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है, एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग होता है, एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग होता है जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो एक्ट कर सके और जो भी उसके जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन जो है वो कर सकता है। ये प्लांट भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म का मतलब केवल एक ही ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन जो होता है ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पर सेम जो स्पीसीज होते हैं एक डेफिनेट एरिया में वो रह रही होती हैं। पॉपुलेशन जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन में जो इकोलॉजिस्ट हैं वो उसकी साइज को, डेंसिटी को, ये सब डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन जो होती है चेंज भी हो सकती है, ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब ये तो पता है कि अगर मान लो कि डेथ रेट जो है वो कम होगी और बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एंड इसी का उल्टा होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगी एंड बर्थ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, तो ये वैरी करती है। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो होता है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है ये कंसिस्ट करती है जो भी पॉपुलेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में जो कि एक डेफिनेट एरिया में रह रहे होते हैं। कम्युनिटी जो होती है ये स्मॉल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो कम्युनिटी